मिस में दुई बीमार और फिर जवान, ये तो जादू है। क्लास शुरू हो चुकी है, सिंडी लेट है और वो अपने साथ अपनी छोटी बहन को लाई है। बच्चों का स्कूल आज बंद है। वैसे कोई बात नहीं, मिस स्मिथ को क्लास बड़ी हो जाने से कोई दिक्कत नहीं, बस चुप रहना। हम एक नया टॉपिक सीखना शुरू करने जा रहे हैं, पर वो छोटी लड़की टीचर का ध्यान भटकाती है। उसकी डॉल आवाज कर रही है, ये लो आराम से ड्राइंग करो। ओह ये क्या है, मिस स्मिथ पर हमला हुआ उन्हीं की तस्वीर के साथ। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर जेसिका को मालूम है कि कैसे इस लड़की को बहलाना है। देखो तुम्हारी डॉल्स को इन नन्हे पेन पसंद आएंगे। पेन के रिफिल्स काटे और सिरों पर हॉट ग्लू लगाए। रिफिल पर सुंदर टेप लगाए, उस पर एक स्टार लगाकर सजाए। स्टार पर एक्रिलिक पेंट करें। वाह ये पेन तो बहुत ही बढ़िया है इन नन्ही डॉल्स के लिए। ये लो पेन मेरी प्यारी डॉल्स, अब ये भी क्लास में बैठकर पढ़ पाएगी और सिंडी की छोटी बहन शांत रहेगी। ये छोटी लड़की तो फिर से यहाँ वहाँ शरारत करने लगी। उसका अपना ही एक टॉपिक है, ज्योमेट्री की जगह एक मॉन्स्टर। ओ नहीं, मिस स्मिथ मॉन्स्टर में बदल गयी। वो किसी को अपनी क्लास खराब नहीं करने देगी। कुछ आ रहा है, एक तोहफा टीचर उसकी डॉल्स के लिए। उसको एक पर्सनल मैग्नेटिक ब्लैक बोर्ड देती है। एक पुरानी मैग्नेट को काटें, काउंटिंग रॉड्स पर गुलाबी रंग करें और उन्हें मैग्नेट से चिपकाकर एक फ्रेम बनाएं। दो रॉड्स लंबी लगाएं जो उसकी टांगे बन सके। उसे टिकाने के लिए मैग्नेट के पीछे भी रॉड लगाएं। बोर्ड पर एक प्लास्टिक की बो लगाकर सजाएं। स्टार के आकार के ग्लिटर को मैग्नेट स्ट्रिप पर लगाएं। ये क्या नन्हा सा ब्लैक बोर्ड है, अब ये लड़की क्लास को परेशान नहीं करेगी। उसके पास उसका खुद का ब्लैक बोर्ड है इन नन्ही डॉल्स के लिए। ये ग्लू स्टिक तो बहुत ही बड़ी है इन नन्ही डॉल्स के लिए। ये तो डॉल के जितनी ही बड़ी है, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। चलो बनाए ग्लू स्टिक जिसे इस्तेमाल करना इसके लिए आसान होगा। एक स्ट्रॉ का टुकड़ा ले, स्ट्रॉ को ग्लू स्टिक में डाले और उसमें ग्लू भर दे। फॉइल पर वैसलीन लगाएं, उस पर एक बूंद हॉट ग्लू की डालें और स्ट्रॉ को उस पर लगा दें। एक चौड़ी स्ट्रॉ का एक और छोटा टुकड़ा लें और इसे भी हॉट ग्लू से बंद करें। ये इसका ढक्कन होगा। ये नन्ही कैप मेन पीस के ऊपर लगाएं। इसे एक्रिलिक पेंट से रंगें। इस पर एक छोटा ग्लू स्टिक का लेबल लगाएं। मैंने कर दिखाया, ये ग्लू स्टिक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मैंने सही कहा ना डॉल, ये बिल्कुल सही नाप की है। सिंडी, 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 मेरी डॉल को बैठने के लिए कुछ चाहिए। ये लो इन्हें पकड़ो। डॉल्स के लिए कुर्सी बने रहना आसान नहीं। टीचर को गुस्सा आने लगता है। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। चलो बनाए लोवेल फर्नीचर। एक मोटे गत्ते के ढक्कन पर एक गोला बनाएं। इसमें से दो लाइनें डिब्बे के किनारे की ओर जाते हुए खींचें और एक टॉर्च काटें। गत्ते के किनारों को जोड़ें। अंदर की ओर एक ड्राइवर चिपकाएं। एक पेपर क्लिप को खोलें और काटें। पेपर क्लिप के लेग्स को डेस्क से चिपकाएं। टेबल पर सफेद एक्रिलिक पेंट करें, किनारों पर गुलाबी रंग करें, ऊपर पॉलिश लगाएं और ढेर सारा ग्लिटर छिड़कें। पूरे डेस्क पर एक्रिलिक पॉलिश लगाएं, इसे एलोवेल स्टिकर और बो लगाकर सजाएं। कितना बढ़िया आइडिया है, हमारे पास डॉल जितने डेस्क और कुर्सी तैयार है। एक चिपबोर्ड के टुकड़े को आधा काटें। एक पेपर क्लिप को खोलें और काट लें। इन टुकड़ों को आपस में चिपकाएं और एक कुर्सी का आकार दें। कुर्सी पर सफेद एक्रिलिक पेंट करें और फिर गुलाबी रंग करें। ऊपर पॉलिश और ग्लिटर लगाएं। इस पर एक्रिलिक पॉलिश लगाएं और बो लगाकर सजाएं।
इतनी नन्ही डॉल्स को इस डेस्क पर बिठाएं, ये कितना आरामदायक है और वो सभी की तरह पड़ जाएगी और अब उसे नीचे बैठने की जरूरत नहीं। जरा देखो तो, ये छोटी लड़की दुनिया देखने के लिए ऊपर चढ़ गई। नीचे आओ अभी की अभी। ठीक है, पर मुझे ग्लोब चाहिए। ये तो हद ही हो गई। मिस स्मिथ ने अपना सब्र खो दिया। ये स्कूल तो डे केयर में बदलने लगा है। उफ, अरे ये छोटी लड़की तो फटाफट से टीचर की जगह ले लेती है। हे, एलिवेट क्लास शुरू होने लगी है। बेबी स्मिथ को एक मोल चाहिए बिल्कुल टीचर के जैसा दिखने के लिए। ये रहा, अब तुम क्लास शुरू कर सकते हो। हमें इतना बड़ा ग्लोब अब नहीं चाहिए, हमारे पास एक छोटा सा है खास एलोवेल डॉल्स के लिए। एक हल्की नीली क्ले से एक बॉल बनाएं, पेपर क्लिप का एक पीस काटें और उस पर बॉल लगा दें। एक बलून होल्डर को काटें, एक प्लास्टिक की बोतल के भी रिंग को काटें, आधे रिंग को स्टैंड पर चिपकाएं। इस पूरे पीस पर एक्रिलिक पेंट से कोट लगाएं। नीली बॉल के ऊपर कॉन्टिनेंट्स बनाएं, जिसे एक ग्लोब जैसा दिखे। ग्लोब को स्टैंड से चिपकाएं। ये नन्हा सा ग्लोब बिल्कुल सही जचेगा हमारे नन्हे एलोवेल डेस्क पर। अब डॉल्स भी एलोवेल ज्योग्राफी सीख सकती हैं। सभी डॉल्स क्लास की तरफ आ रही हैं, पर हमारे पास कोई स्कूल सप्लाई ही नहीं इन बच्चों के लिए। चिंता मत करो, बेबी स्मिथ ने हर चीज बना रखी है। उसके पास एलोवेल पेंट है। एक चमचमाते फोम पेपर का पीस ले, उसके स्टिकी साइड पर चौरस लेगो के पीस लगाएं। फोम पेपर के स्ट्रिप से किनारी बनाएं, फालतू हिस्सा काट लें। इसके ढक्कन के ऊपर एक फ्लैप लगाएं, जो डबल साइडेड टेप से बनी हो। डिब्बे को बो लगाकर सजाएं, खानों पर वाटर कलर्स डालें। एक ब्रश का सिरा काटें और उसे पेंट वाले डिब्बे में रख दें। ये तो सच में एक चमचमाते डिब्बे में एलोवेल पेंट्स है। ये कमाल के हैं। और दूसरी डॉल के लिए हमारे पास है एलोवेल नोटबुक। रंगीन कागज में से कुछ गोले काटें, इन्हें एक के ऊपर एक रखें, उनके एक तरफ ग्लू लगाएं और इसके जोड़ों पर कागज की स्ट्रिप लगाएं। एक प्रिंटेड एलोवेल कवर ऊपर लगाएं और कवर के ऊपर एक पारदर्शी टेप लगाएं। वाह, ये तो असल में नोटबुक जैसी है। शुक्रिया बेबी स्मिथ, अब तुम्हारे एलोवेल स्टूडेंट्स तैयार हैं। आज की क्लास का टॉपिक है फ्लावर्स। इस तस्वीर जैसा एक बना के तो दिखाओ। पर बेबी स्मिथ तो एक गोला भी ढंग से नहीं बना पा रही, वो क्या करे। ये एलोवेल कंपास मदद करेगा। सेफ्टी पिन का होल्डर काटें, कंपास की लीड उसकी एक तरफ चिपकाएं, बाकी हिस्से पर क्ले लगाएं। एलोवेल डॉल बहुत ही खुश है। एलोवेल डॉल बहुत ही खुश है अपना नन्हा कंपास देखकर, और उसकी लड़की ने आसानी से फ्लावर के लिए गोला बना लिया। इतने अच्छे फ्लावर को तो A+ मिलना चाहिए। शुक्रिया एलोवेल डॉल, तुमने सच में मेरी मदद करी। चलो पढ़ते रहो एलोवेल डॉल। पर असली वाली मिस स्मिथ अचानक से आ जाती है। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे। मिस में कुछ बदलाव करने आई है। वो समझ गई कि वो गलत थी, इसलिए वो इस नए स्टूडेंट को एक तोहफा देती है। ये एक नन्हा सा एलोवेल बैकपैक है। सफेद फोम पेपर पीस पर बैकपैक के पीसेस ट्रेस करें। जिपर के लिए स्ट्रिप के अंदर एक लाइन काटें। जिपर अंदर चिपकाएं, फालतू हिस्सा काट दें। जिपर को मेन पीस पर लगाएं। मेन पीस को आधा मोड़ कर चिपका दें। फोम पेपर पर निशान बनाएं, बिल्ली के कान और चेहरा बनाएं, उसकी पलकें और मुंह एक फाइन लाइनर से बनाएं। ग्लिटर फोम पेपर से स्ट्रैप बनाएं, इन्हें बैकपैक पर लगाएं। ये लो छोटी लड़की एलोवेल बैकपैक। तुम्हारी सभी डॉल तभी स्कूल जाएंगी जब उनके पास एक बैकपैक होगा। जरा देखो तो अंदर क्या है। वाह, इस बैकपैक में तो एलोवेल पेंसिल केस भी है। गुलाबी फोम पेपर पर टेम्पलेट के अनुसार पेंसिल केस बनाएं। फोम पेपर को आधा मोड़ें और दो पीसेस को काटें। केस को फोल्ड करें, चाकू के अंदर कट्स बनाएं और एक इलास्टिक धागा अंदर डालें।
स्कूल सप्लाई के लिए लूप्स बनाएं। डबल साइडेड टेप से निशान बनाएं। चमकदार फोम पेपर से एक स्ट्रिप काटें और फ्लैप पर उसे फास्टनर की तरह लगा दें। फ्लैप को एक एंगल में काटें और फास्टनर को फोम पेपर से बनी बो लगाकर सजाएं। सफेद एक्रिलिक पेंट से पॉल का डॉट का डिजाइन बनाएं। ये पेंसिल केस कितना प्यारा है, जरा इसे खोलो तो तुम्हारे लिए इसके अंदर एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। प्यारी और नन्ही सी डॉल की पेंसिल्स। एक मैकेनिकल पेंसिल रिफिल पर सुपर ग्लू लगाएं। उस पर मोती लगाएं। फालतू इसे तोड़ दें। कितना शानदार सेट है। मिस पे याद करती है कि वो कितना ज्यादा मजा करती थी जब वो अपने बचपन में डॉल से खेला करती थी। पर ये ज्यादा देर नहीं, हमें वापस पढ़ने के लिए जाना होगा। क्या आपको हमारे अलवर स्कूल सप्लाई पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्कूल सप्लाई आप अपनी डॉल के लिए बनाएंगे। और भूले नहीं इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं।